एवरीवन और आप सभी का स्वागत है आज के फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। बात करेंगे कोलकाता वर्सेस गुजरात के गेम पर, उससे पहले फैन टू प्ले लीडर बोर्ड के बारे में, जहां पे टॉप थ्री विनर्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप देखने। और अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये लीडर बोर्ड होगा और दो बार रिफ्रेश पूरे सीजन में, तो 25 टीम्स बनाओ और ऑस्ट्रेलिया जाओ। साथ साथ ये गिव अवे जो फ्री है आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और एक पर्सनल गिव अवे भी होगा FCP की तरफ से RCB वर्सेस सनराइजर्स के गेम में, तो दूसरा प्रीव्यू पे जाकर ज़रूर देखिए। तो पहले बात करेंगे कीपर्स और बैट्समैन के बारे में। मेरे होंगे इस मैच में एक कीपर रिद्धिमान साहा, जो कि है ऑलरेडी एक्स बंगाल प्लेयर, तो चाहेंगे कि अपने एक्स टीम के सामने एक पॉइंट प्रूव करे। उसके साथ साथ उनका एक छोटा सा मैचअप ज़रूर है नारायण के सामने, जिसके बारे में मैचअप सेक्शन में ज़रूर बात करूँगा। साथ साथ में होंगे इस मैच में हमारे तीन बैटर्स। पहले होंगे शुभमन गिल, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस, ये भी एक्स KKR बॉय हैं, तो अपने आप को ज़रूर प्रूव करना चाहेंगे, स्पेशली क्योंकि रिटेन नहीं हुए। उसके साथ साथ हमारे बाकी दो बैटर्स श्रेयस अय्यर, जो कि काफ़ी सेफ चॉइस है, अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, तो नो डाउट अबाउट हिम। और तीसरी पिक होंगे हमारी नीतीश राणा, अब ये होंगे थोड़े से रिस्की चॉइस, बट क्योंकि अगर ये राशिद को ठीक से खेल जाएँ तो मिडल ओवर्स में अपना बोल बाला चला सकते हैं ज़रूर, तो ये होंगे एक थोड़ी सी रिस्की पिक। अगर आपको सेफ जाना है तो आप एरन फिंच के साथ भी ज़रूर जा सकते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर्स पर। ऑलराउंडर्स में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस इस बार, तो सीधा बात करेंगे। पहली चॉइस होंगे ऑन्ड्रे रसेल, जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग तो कर ही रहे हैं, बट बैटिंग में उनका पूरा फॉर्म वापस आ चुका है और इसलिए होंगे ये मैच में ये मेरे कप्तान। दूसरे पिक होंगे हार्दिक पांड्या, जो कि 4 के 4 ओवर कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, बट इंजरी से वापस आएंगे तो होंगे वाइस कैप्टन। खेलेंगे कि नहीं इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं हमारे पास, बट खेलेंगे तो आप टीम में ज़रूर रखिएगा। तीसरे पिक होंगे पैट्रिक कमिंस, जो कि बैट के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉल से ज़्यादा, जो कि एक सरप्राइज़ तो ज़रूर है, बट इसका ये मतलब भी है कि जब बॉल से भी आएंगे तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स देकर जाएंगे। उसके साथ साथ होंगे हमारे 4 बॉलर्स इस मैच में। पहले पिक होंगे सुनील नारायण, जो कि बॉलिंग तो कर ही रहे हैं यूज़फुल, साथ साथ बैटिंग में भी कभी कभार ऊपर आके थोड़े बहुत रन्स मार के जा रहे हैं। और फिर हमारे 3 बॉलर्स गुजरात टाइटन्स के, जो कि काफ़ी ऑब्वियस चॉइसेस है। लॉकी फर्गसन, जो पेस से तो डाल ही रहे हैं, साथ साथ उनका फॉर्म ठीक ठाक है, काफ़ी मैचेस में काफ़ी सारे विकेट्स लेकर गए हैं। दूसरे पिक होंगे राशिद खान, जो कि लास्ट मैच में बैट के साथ कमाल करके गए, तो कोई डाउट नहीं कि आप उनको क्यों लेंगे, और ये होंगे GL में एक बहुत अच्छे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के चॉइस। और लास्ट पिक होंगे मोहम्मद शमी, जो कि अप टॉप भी विकेट्स ले रहे हैं, डेथ में भी कभी कभार विकेट्स ले रहे हैं, तो नो डाउट आप ये आपके टीम में ज़रूर रहेंगे। तो ये रही आज की पूरी टीम हमारी। जैसा आप देख सकते हैं हम गए हैं 1 कीपर 3 बैटर 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स के साथ। अभी अगर आपको लगता है कि कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी हो तो आप बैट्समैन ज़्यादा ले सकते हैं, और साथ साथ में प्लेइंग 11 ज़रूर चेक करिएगा। अब बात करते हैं मैचअप्स पर। तो ये होंगे इस गेम के 2 बहुत बड़े मैचअप। पहला तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, रसेल वर्सेस राशिद। अब राशिद इनको 3 बार आउट कर चुके हैं सिर्फ 22 बॉल्स में, और साथ साथ में स्ट्राइक रेट भी कुछ खास रहा नहीं है, अबाउट 110। बट यस, अगर ये राशिद को खेल जाए तो बाकी बॉलर्स को काफ़ी मार बढ़ सकती है। साथ साथ में सेकेंड मैचअप होंगे सुनील नारायण, जिन्होंने साहा को 3 बार आउट किया है। अब मे बी साहा हर टीम में हो तो इससे आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, बट अगर नारायण ऊपर डालेंगे और ओपनिंग बॉलिंग करेंगे तो गिल उनको कैसे खेलेंगे बहुत बड़ी देखने की बात होगी, क्योंकि गिल हमेशा से उनके साथ खेले हैं, तो ये बार उनके सामने कैसे खेलेंगे और क्या सीक्रेट्स होंगे एक दूसरे के पास, ये ज़रूर देखने की बात होगी। अब चलते हैं चैलेंज पिक्स पर, जहां पे आप अपनी टीम बना सकते हो सिर्फ 2, 3 या 4 प्लेयर्स के साथ। मेरे इस मैच में होंगे 2 प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या, ऑन्ड्रे रसेल, दोनों ओवर्स कर रहे हैं, दोनों बैटिंग से बड़ी हिटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चॉइसेस है। आप भी जाइए जल्दी से अपने पिक्स करिए, और साथ साथ हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए अपने फाइनल टीम के लिए, सेकेंड इनिंग्स टीम के लिए और बहुत सारी अपडेट्स के लिए। आपको ऑल द गुड लक।